जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार के लिए विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सांबा में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में रोड शो किया और जनसभा की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आपने यहां आकर सलाथिया जी को अपना समर्थन दिया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं चीची माता की इस भूमि को नमन करता हूं कि सांबा की इस भूमि ने भी मां भारती की सेवा में अनेक वीर समर्पित किए हैं और आपके चेहरों के भाव को देखकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि यहां भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। साथ ही ये चुनाव प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 अक्टूबर को कमल को वोट देकर पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कल्पना को प्रधानमंत्री मोदी ने साकार किया है। धारा 370 आसानी से समाप्त नहीं हुई है। जब जब हमारी पार्टी ने इसे समाप्त करने के लिए आवाज उठाई तो इसका विरोध हुआ, लेकिन 5 अगस्त 2019 कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग दो झंडे, दो संविधान के नीचे नहीं बल्कि हमारे तिरंगे के नीचे, बाबा साहेब के संविधान के नीचे वोट करेंगे। इसी क्रम में सीएम धामी ने कहा कि इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग दो झंडे, दो संविधान के नीचे नहीं बल्कि हमारे तिरंगे के नीचे, बाबा साहेब के संविधान के नीचे वोट करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले सालों में भारत 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आज बड़ी घटना होने पर पूरी दुनिया भारत का रुख करती है। कांग्रेस के शहजादे भी आज कश्मीर के अंदर आ जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू कर देनी चाहिए और आतंकवादियों को छोड़ देना चाहिए। ये सोच कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ, जहाँ से माँ गंगा निकलती है। उनका आशीर्वाद भाजपा प्रत्याशी के साथ है। जितना ऊर्जा, जोश और उत्साह आपने दिखाया है, ये जोश रुकना नहीं चाहिए। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हैं, क्योंकि आगामी समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल इसी को लेकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, जो भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान रोड शो किया और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग इस जनसभा में मौजूद हैं, इस रोड शो में मौजूद हैं और लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अग्रसर है और प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी क्रम में ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि इस बार जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है वो काफी ऐतिहासिक होने वाला है। अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा, हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेवान पर्वत रख दिया जाना चाहिए। आप बताइए भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है। भाइयों बहनों, इसलिए समय है, ये समय है इतिहास रचने का। और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। मां चीची के आशीर्वाद से आप इतिहास रचेंगे। मैं अभी सुशील कुमार शिंदे, जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था। भाइयों बहनों, एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के सहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों।